बाकी एक सांस में सारा पी जाओ। 12 घंटे बाद लाइट आ गई है, एसी ऑन हो चुका है। से अपन कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं, उसको पकड़ते हैं, बोलेंगे तेरे 2 दिन बैंडेज करा दिए, तू चलिए कुछ खिला दे। भाई क्या हाल है, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब भी ठीक होंगे, आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। इतनी ज़बरदस्त गर्मी के अंदर भी आपका भाई सहन में खड़े होकर आपके लिए ब्लॉग बना रहे थे, ये भी अपने आप में एक लेवल की बात है। हेलो सलाम वाला सीन नहीं किया मैंने आपको आज, क्योंकि उठे इतनी देर से, तो उठते सीन पता लगा, मैंने बोला लाइट नहीं है, यूपीएस चल रहा था और कुछ कुछ हो गया ख़राब, ये भी अपने आप में एक सीन है। और शाम में आ रहे हैं अपनी दफाई के घर पर मेहमान, तो देखते हैं अब क्या करना है भाई। खैर मॉर्निंग वॉर्निंग हो गई, 16-17-18 घंटे बाद उठे हैं, थके हुए थे, पर अब सीन कुछ ऐसा शॉप की चेंजिंग, शॉप में कलर करने वाला आएगा, उससे कलर करवाना, क्योंकि शॉप कर रहे हैं बच्चे उसी जगह, उसका ब्लॉग बना के मैं आपको अलग डाल दूँगा, बट अभी घर वाला ब्लॉग है। तो सीन कुछ ऐसा है, कुछ करना हो था, वेदर बहुत टाइट रहा है, लेवल हवा चलिए, बट गर्मी जो है ना उसका लेवल अपने आप में भाई सहन में खड़े होकर गर्मी आपकी हालत ख़राब करने में लगी हुई है। तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आज करने के लिए, तो बताते हैं लेट्स। ये सोच रहा था कि आपको इस ब्लॉग के अंदर ना कोई बारबेक्यू वाला सीन भी रखते हैं शाम में, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि सुबह लाइट नहीं है। लाइट हो तो हर काम हो जाते हैं, क्योंकि मम्मा को जो काम सिलेंडर चॉपर जो भी चलाना है उसके लिए बोलना होगा, वो भी मम्मा गुस्सा करेंगी, बोलेंगी जब लाइट नहीं है तो मैं काम करने की ज़रूरत क्या है। हमने भी सोचा नहीं भाई, अम्मा को परेशान ना करो, आज छोड़ो, बाद में कभी कर देंगे। और फाइनली 12 घंटे बाद लाइट आ गई है, एसी ऑन हो चुका है, तो चलो शुक्र है आ गई भाई। अब यहाँ घर में आपकी भाई की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, जल्दी से काम करते हैं स्टार्ट को, फिर अंदर चल के बात करते हैं। तो बाकी जो भी काम है जैसे भी करना है वो सब आपको दिखाएंगे, और 2-3 चीज़ें और भी हैं वो भी सोच रहा हूँ वो भी कर लूँ, बट अभी मुझे दुकान पे जाना था कलर के लिए, तो कुरान के लिए लाजमी प्रोटेस्ट करना चाहिए भाई। तो खैर चलें जाके बताते हैं, अभी जगह जाते हैं मम्मा की काम से, मैं आपको आगे बता दूँगा। चलें और भी करते हैं वाटरमेलन का जूस लेने, क्योंकि अब मुझे शॉपिंग भी जाना है, देर बहुत हो गई है, और ब्लॉग यही ख़त्म होते दे रहा हूँ, क्या हमारी चलिए वो आपको मेरे पीछे नज़र आ ही रहा होगा। और अपन चलते हैं वहाँ, बनाते हैं मैंने शॉर्ट, और उसके बाद और कुछ नया सही है, तो अच्छा रहे वैसे फटाफट से गिलासेस ग्लासेस लगाते हैं ना, तो ये तो सांसें मुझे मन, तो खैर जो भी है चलो का अब अपन चलते हैं बाहर और दोस्तों वाला सीन देखते हैं समझे। और खैर मेहमान आए या हम कहीं जाएँ तो इन्जॉयमेंट तो दोनों तरफ ही होती है, तो लाइट्स ऐसा लग रहा था कि बाहर मौसम अच्छा है, मगर बाहर तो गर्मी लगे रखी थी भाई बहुत टाइम, ये ना आपको क्या बताएं यार। तो अभी चलते हैं वाटरमेलन वाले के पास, और गर्मी के अंदर अगर आपको स्ट्रीट पर मिल जाए वाटर मेलन जूस, और उसके अंदर छोटे छोटे से कश्मीर में वाटर मेलन के पीसेस, तो भी ये बनाएं भाई और अपन पीते हैं, और पीने का जो अंदाज़ है ना एक सांस में सारा पी जाओ। उफ, तो भाई देखें, और ये गर्मी है ना बाहर के, आप क्या जाएँ और क्या आएँ, और ये घर में घुसते ही ना, पर घर में मेहमान वहमान आने वाले हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ये घर में जब बाहर निकला तो मुझे लग रहा था वहाँ मौसम नेक्स्ट लेवल होगा, बाहर को शदीद किस्म की गर्मी है भाई, शदीद किस्म की गर्मी। दुकान आ गए थे घर से, घर के काम कम्प्लीट करके जूस वूस ला के दे दिया था, उसके बाद दुकान आ गई, गर्मी बहुत है अभी, आपका भाई पसीने पसीने हो रहा है, बट एट द एंड सीन कुछ ऐसा है, सारे काम कम्प्लीट करने के बाद थकिया ऊपर आ गया। अभी देखिए आपके सामने कोई दुकान नहीं खाली हुई है, तो सीन इज दैट कि जो सामने वाली दुकान है ना बिल्कुल मेरा लोगो भी लगा हुआ है, तो वो अब इस पर कलर वलर कराने का सीन स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं कब होगा, अभी गर्मी बहुत है तो ऐसे छेड़ नहीं रहे उस काम को, तो ये दुकान उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद कुछ नेक्स्ट टाइम करने का सोचेंगे। अभी तो हमारा ब्लैक कपड़ा बंद नहीं हुआ है तो वो आएगा, उसके बाद आपको करेंगे सरप्राइज़, बट सरप्राइज़ क्या करेंगे, ये मेरा रूटीन का काम है, तो इसमें चेंजिंग और न्यू से न्यू चीज़ लाने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी यह रात का क्या सीन है वो मैं आपको रात में ही बताऊँगा, अभी नहीं बता सकते, चलो थोड़ी देर बैठे हैं। कुछ ऐसा है भाई, लग गई थी ठीक ठाक किसी की, तो उनके पास भी चलते हैं, कल भी उनका बिजी था, पट्टी वट्टी कराने चले गए थे, बट आज का सीन है कल उनके लिए, और कल उनको बैंडेज करा दीजिए, आज देखते हैं वो कैसे हैं, और अगर आज भी ज़रूरत हुई तो उनको बैंडेज वैंडेज करवाने ले जाएंगे। इसी चीज़ में पूरे हुए हैं, क्या क्या बताएं आपको। बाकी भाई अगर आप लोग घूमने जाया करें ना कहीं पर भी, तो एहतियात किया करें, भागम दौड़ी कम करें, खेलें कूदे ज़्यादा इंजॉय करें, बट एहतियात से, क्योंकि आपकी चोट वोट की वजह से आपकी फैमिली परेशान हो जाती है, वो हमारे कुछ दोस्त हैं जो सुनते नहीं हैं, हम भी ऐसे ही हैं, बट ऐसा है रोज़ आपका दिल दुखता है भाई, गलत होता है। खैर मिलते हैं कुछ खाने पीने की सुनने से रात में, तो अभी तक के लिए भाई को यहाँ से छोड़ो। हाँ तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि जो मेरे दोस्त हैं ना बहुत अजीज़ मेरे करीबी, तो ये मैंने उनके लिए मैसेज बोला है, और अगर मुझे साठ होने की ज़रूरत नहीं है भाई, सेफ्टी मेजर है, आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं कुछ करने जा रहे हैं तो सेफ्टी लाजमी है, आप सेफ्टी के बगैर आप भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं किसी, मतलब जो इन्जॉय करने हैं वो भी इन्जॉयमेंट ख़राब हो जाती है, फिर आपकी फैमिली पीछे डिस्टर्ब परेशान रहती है,
तो ये अच्छा नहीं है। बाकी का जो सीन है ना आज उसी से अपन कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं उसको पकड़ते हैं, बोलिए देख दो दिन बैंडेज करा दी, तू चलिए कुछ खिला दे, समझ रहे? हाँ समझ रहे, तो करते हैं उसी। बारिश के बाद ना गर्मी से आप देखोगे बारे में शर्ट को हिला रहा हूँ, ये गर्मी कल रात में इतनी स्पीड पर बहुत नेक्स्ट लेवल बारिश हुई है, उसका यहाँ गर्मी से हाल बहुत बुरा हो गया, आप यकीन करें क्या बताऊँ आपको। अब दिल भी नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ गर्मी बहुत आ रही है, दुकान में कलर कराने का भी दिल नहीं जा रहा है कि कलर कराएंगे तो हालत हो जाएगी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अभी जो चीज़ जैसे चली उसको उसी तरीके से चलाते हैं, बाकी घर पर मेहमान वहमान आ जाएंगे तो घर के लिए रोटियाँ छोटियाँ ये भी लेकर आनी होगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है घर का, क्योंकि छोटे भाई गए हैं घूमने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ और जो था। हाँ भाई, और जो बात मैंने दोस्तों की पहले की, तो भाई उससे डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये मेरी राय है आपके लिए और एक दोस्त के खातिर मैंने ऐसा बोला। कंट्रोल आप करें, मजाक वजाक करना चाहिए बट इतना ना करें आपकी हेल्थ के ऊपर बात आ जाए, तो एहतियात करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी काम करते हैं, बाकी बातें मैं आपको रात नहीं बताता हूँ अभी ना, यहाँ से तो आपको क्या क्या बताऊँगा बताते चले जाऊँगा, क्योंकि मुझे काम भी बहुत है यहाँ पर, तो शॉप से फ्री होते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं। इतने दिनों बाद शॉप से बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक के लिए आप भी निकले और आपका भाई भी अपने काम में लगता है, ठीक है बैठे। भाई फाइनली सीन को जो है असद भाई के पास आ गए, असद भाई ये रहे हमारे पट्टियाँ टट्टियाँ बनी हुई, पिज्ज़े का ऑर्डर दे दिया है उन्होंने सामने, तो पिज़्ज़ा वीज़ा बनता है, पिज़्ज़ा खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक शख्स और हैं जो थोड़ा भागते हैं चीज़ों से, वो खुद ही यूट्यूबर हैं, ये आया भाई वो देख ले पता नहीं लाइट आ रही है, हाँ तो खाते हैं उस टाइम दिखाता हूँ आपको फुर्सत से। अब मोबाइल यूज़ करें आप, ये तो बताएं कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? भाई बहुत अच्छी फीलिंग है अभी, मतलब सीन ऑन है, सीन ऑन है भाई। तो बहन यही जो अल्फाज है ना आपके भाई को, इसी अल्फाजों में बहुत गुस्सा आ रहा था, हम उसमें बंदे के लगी हुई, बंदा बोला सीन ऑन है, हट रही थी मतलब मेरी यार। तो चलो खैर अब जो हो गया सो हो गया, अभी पिज़्ज़ा वीज़ा मंगाते हैं खाते हैं और खाते हैं बस। पहले आपकी रेस लगी है, पहले आपका भाई उठा लेगा उसके बाद बाकी भाई उठाएंगे अपने सारे। अबे तो इतना सारा पड़ा हुआ क्या कर रहे हैं? जाया जाया उठा यार, ये दोनों तो पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे मुझे लग रहा है। अबे भाई वो सीन कुछ ऐसा है वो बता नहीं सकता यहाँ पर, खा ले यार खाते हैं फिर आपको भी दिखाऊंगा। एक बंदे के बड़े नखरे हो रहे हैं जिसके लिए हम आए थे यहाँ पर। फाइनली असद को पिज़्ज़ा वीज़ा खिला के, अपन ने पिज़्ज़ा वीज़ा खा के घर वापस आ गए और घर पहुँचते यहाँ की चले गए ये लाइट और अब हम कन्वर्ट हो गए यूपीएस के ऊपर। तो खैर खिला दिया पिज़्ज़ा वीज़ा, आज का पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया, थक के हम पूरे हो गए। अब तक के लिए हमसे इजाज़त और अस्सलाम वालेकुम, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो कटो